रात के 11 बजे हैं और अभी हम जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में हैं। आप भी अगर मेडिकल कॉलेज जननायक कर्पूरी ठाकुर आना चाहते हैं तो यहाँ पे सोच समझ के आइए, क्योंकि एक महिला की कहानी सुनाते हैं आपको और यह कहानी सुनकर आप भी कहेंगे यह कैसा 5-स्टार होटल है, या यूं कह लीजिए कैसा यह मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे महिला पैर टूटने का इलाज कराने आती है और इलाज करते करते आखिरी वक्त में जब उसका ऑपरेशन की बारी आती है तो ऑपरेशन थिएटर में ही उसकी मौत हो जाती है। कैसी लगी कहानी? यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह हकीकत है और हकीकत है इस मेडिकल कॉलेज की, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की। 7 फरवरी की कहानी है। एक महिला अपनी बहन की शादी में अपने घर जाती है, मायके जाती है, अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी मायके जाती है कि बहन की शादी है, खुशहाली से रहेगी और शादी करके फिर अपने घर आ जाएगी। लेकिन होना कुछ और होता है। जब अपनी बहन की, छोटी वाली बहन की शादी में जाती है तो आंगन में कहीं पे गड्ढा होता है और जब गड्ढा होता है, 10 तारीख को बहन की शादी होने वाली होती है, तो मिट्टी को लेकर वो सोचती है कि उस गड्ढे में भर दिया जाएगा तो जो भी मेहमान आएंगे, जो भी बारात के लोग आएंगे, लड़के वाले आएंगे, तो उन्हें तकलीफ ना हो। इसको लेकर वह मिट्टी लेकर वह जैसे गड्ढे को भरने जाती है, पाँव फिसलता है उसका और वह गिर जाती है। गिरते ही उसके पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है। आनन फानन में उसे घर वाले इसी मेडिकल कॉलेज में लेके आते हैं। इसे हम 5-स्टार मेडिकल कॉलेज कहते हैं। यह 7 फरवरी की घटना हम बता रहे हैं। यहाँ पर जब उन्हें डॉक्टर से दिखाया जाता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन किया जाएगा, पहले इसे कच्ची जो प्लास्टर होता है, कच्चा प्लास्टर, इसे कर दिया जा रहा है, इसके बाद आप लोग 4-5 दिन के बाद आइए और कुछ पैसे लगेंगे। देखिए सरकारी अस्पताल है लेकिन पैसे किस बात के लग रहे हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा स्टील यहाँ नहीं मिलता है, कुछ दवाई है वो यहाँ नहीं मिलता है, तो आपको 20,000 से 22,000 रुपये खर्च लगेंगे जिसका इंतज़ाम करके आपको आना है। इसके बाद यह लोग कच्ची प्लास्टर लेकर घर जाते हैं। छोटी बहन की इसकी शादी हो जाती है 10 तारीख को। यह लोग 12 तारीख को मेडिकल कॉलेज आते हैं। यहाँ पर आने के बाद इनसे पैसे की डिमांड होती है। बेचारे इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, घर में बेटी की शादी हुई होती है और कर्ज में डूबे रहते हैं, फिर भी किसी तरह से इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं। 12 से लेके आप सोच लीजिए, 12 फरवरी से लेके 13, 14, 15 3 दिन पेशेंट को बिना दवाई के इसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट रखा जाता है कि जब तक पैसे नहीं आएंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। फिर 15 तारीख को उस महिला का ऑपरेशन के लिए उसे, जब तक पैसे आ जाते हैं, घर वाले कर्ज लेकर आधे पैसे, आधे रकम का जुगाड़ करते हैं, लगभग 10,000 रुपये जुगाड़ करके वह मेडिकल कॉलेज के उस डॉक्टर को देते हैं। उसके बाद वह डॉक्टर ऑपरेशन करने को तैयार होता है। ऑपरेशन के लिए इसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है महिला को। 15 तारीख की बात हम बता रहे हैं। जब ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो बाकी रकम है उसे आप अगले बार जब दूसरा ऑपरेशन होगा, एक और स्टील लगेगा इसके पाँव में, तो 18 तारीख को आप लोग आइएगा, उस दिन आप लोग पुराना पैसा भी दे दीजिएगा, कुछ दवाई भी लाना है, यहाँ पे दवाई नहीं मिलता, आपको बाहर से लाना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन के सामग्री भी लानी है। आज ही के दिन करीब लगभग 7 बजे है कि उस महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। जैसे ही महिला ऑपरेशन थिएटर में जाती है, उसकी माँ उसके आसपास रहती है, माँ को विश्वास होता है कि डॉक्टर साहब ले गए हैं, ऑपरेशन होगा, मेरी बेटी चल फिर सकेगी। लेकिन अचानक से बेटी जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है तो उसकी हालत नाजुक रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं सब चीज़ ठीक है, बीपी ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। थोड़ी देर के बाद गुंजन देवी की सांसें रुक जाती है और डॉक्टर साहब फरार हो जाते हैं। उसके बाद हंगामा होता है, परिजन आते हैं,
और ऐसी ही घटनाएं लगातार इस मेडिकल कॉलेज में होती है, यह कोई पहली घटना नहीं है, यह कोई दूसरी घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटना होती है। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर इस जिले में आते हैं, मेडिकल कॉलेज के आसपास रहते हैं, तो पत्रकार साथियों के द्वारा, यहाँ के माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल के द्वारा इस मुद्दे को कड़ाई से उठाया जाता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जानते हैं कि ऐसा होता है इस मेडिकल कॉलेज में, हमें पता है कि यहाँ पे इलाज नहीं होता है, हमें पता है कि यहाँ पे जो हल्की बीमारी लेकर आते हैं उन्हें भी रेफर कर दिया गया है, हमने निर्देश दिया है और जल्द से जल्द इसमें सुधार होगा। हालांकि उनके कहे हुए बातों पे कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अब क्या सुधार हुआ है इसको भी आप देख लीजिए और इस वीडियो में आगे देखिए कि उसके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। हमार कुछ ना बेटी पिछड़ल है, हमार बेटी टनाटन रहे ये अथी में कल के 2000 टका और लागत करिए जब बाबू हो 8,500 टका ओ दिन दिलिए बस तक हमरा सब चीज फार के सामान मंगल को बाबू हो अखनी हमरा बेटी का मार दल को हो बाबू डॉक्टर का कहक हमरा फाइल पर दस्तखत करते जितना ऑपरेशन दिल के ततना का हम 2000 टका खातिर हम 3 बेर बेटी का ब्लड चढ़ेलिए बाप 3 बेर वो बेटी का पेट फूल तो हम ब्लड चढ़ेलिए तब तो हम बिकबे नहीं करिए ए बेटी में हम 2000 ले बिक जती हो हमारा बेटी का कह जियाब नहीं तो हम जिंदा नहीं रह हम हॉस्पिटल में आग लगा दब बुझ जा हो बाप पिछड़ गल पैर पिछड़ गल तो लाभ लिए प्लस्तर क्या दल के कच्ची कल के जो छुट्टी गाम में छुट्टी लेलिए 8 दिन पर फिर अलिए तो परसू खुना एक स्टील लगेलक परसू आई फिर कलक एगो लगेबो बाबू हो आज कैसे घटनाक्रम हुआ क्या आज कुछ न भले बाबू हो हम पूछते छे कलक हाँ सही छो आई आबि के 2 बेर दस्तखत हमरा से करा लेलक हम कहलिए हे हो ओ दिन तो हम दस्तखत करने छे स्टील लगबे में तो फिर आई क्या करबे छ कलक हाँ कर न कुछ न बात छे पैसा दी थी बार बार आप पैसे का जिक्र कर रही हैं रो रही हैं किसको पैसा दी थी बाप नाम लिखल छे पर हाथ का टका दे दिया या किस चीज का पैसा दी थी स्टील लग गई तो ये तो सरकारी अस्पताल है इसमें पैसे कल के की नहीं मिलता है यहाँ पर हम खरीद के लाता है 8,500 वो कर चीर फाड़ के सामान मंगल के बच सके 18 के तब वैसे पहले दवाई मंगल का हमरा से 800 के तब 2 गो खून जांच कल का कल का बाहर से करे छे कल का यही में ओकर 800 लेल का यो बा हमरा बेटी का रानी का मार के रानी हमर उ टना टन रहे परसों हसल निकलल एगो स्टील लगेल के आ कोनो हमरा के बेटी के बेसी टूटल रहा है संदीप कुमार क्या है पूरा मामला मामला जो पेशेंट है ये मेरा बड़ापा का बेटी है जो अपने छोटकी बहन की शादी में आए थे इसका ससुराल पुखराम हुआ 3 बच्चा भी है कमाने वाला कोई अभी तक नहीं है ये 7 तारीख को आए थे ये अपना बेलो पिपराही वहाँ पे मिट्टी खोद के एक तो गड्ढा में दे रहे थे थोड़ा सा पेल पिछड़ गए इसमें कि एक हड्डी फ्रैक्चर हो गया तो उसको आनंद फानंद मेडिकल कॉलेज में लेके भर्ती किए 7 तारीख को तो बोला डॉक्टर साहब अभी कच्चा प्लास्टर कर देते हैं 5 रोज के बाद आइएगा 10 तारीख को उसका बहन का शादी था उसने 12 तारीख को आया 12 तारीख को आया तो फिर स्टील सेट करने का बात बोला स्टील सेट करने के बाद बोला कि यहाँ पे स्टील उपलब्ध नहीं है 20,000 रुपया लगेगा तब स्टील सेट होगा ऐसे करते करते 15 तारीख तक में हम लोग व्यवस्था किए पैसा आधा दिए आधा बाकी है अभी तो 15 तारीख को तब स्टील सेट एक ठो किए फिर बोला कि नहीं एक ठो स्टील और सेट होगा 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद स्टील सेट होगा तो पेशेंट यहीं पे भर्ती थे तो हम लोग घर चले गए यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी थी जो कि आज शाम के लमसम 5 बजे स्टील सेट करने के लिए होम थिएटर में घुसाए इसमें ऑपरेशन के दौरान उसका मृत्यु हो गया मृत्यु होने के बाद डॉक्टर सब आनंद फानंद वेंटिलेटर में भर्ती कर दिया और डॉक्टर सब फिदार हो गए हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ सो हुआ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए
और किसी भी पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए खिलवाड़। क्या पूरा मामला है, कैसे मौत हुई है? पूरा मामला है सर कि मिट्टी खोद करके लेकर के आ रही थी, थोड़ा गड्ढा था उसको भरने के लिए, जो कि बिल्कुल युवा ही थी, 30 वर्ष उम्र था उसका, छोटा छोटा बच्चा है। वही थोड़ा सा मिट्टी वहाँ रख रही थी, पैर फिसल गया, जिसके क्रम में पैर टूट गया। और यहाँ स्टील सेट करवाने के लिए आए, जिसमें कि जो भी अमाउंट लगा वो संजीव जी बोले, उतना हम नहीं थे, अभी हम आए हैं। और उसी क्रम में दूसरा स्टील सेट कर रहा था और डेट हो गया, स्टील लगा ही रहा था। पैसे किस बात के लिए गए? पैसा स्टील लगाने के लिए, कि स्टील नहीं है यहाँ, स्टील बाहर से लाना पड़ेगा, उसी के लिए 20,000 रुपया दिए। किसने लिया पैसा? डॉक्टर साहब ने। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम तो सर हमको पता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हम लोग गाँव में रहने वाले हैं, देहात के लोग हैं, हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं है। जो भी लगा, जो भी बोला कि ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, हम लोग सक्षम है, गरीब आदमी है, जो बोल रहे हैं बस वही कर। मेरा नाम रमानंद कुमार। क्या मामला है पूरा, कैसे मौत? मामला यह है कि पेशेंट मेरा सुरक्षित था, और एक ऑपरेशन के बाद 2 रोज के बाद आज फिर ऑपरेशन हुई, जिसमें डॉक्टर साहब की कहने के अनुकूल सारे जाँच लेते हुए बोला कि आपका पेशेंट ओके है। मेरा पेशेंट केवल युवा है, और लापरवाही डॉक्टर ने किए, जिस कारण से मेरा पेशेंट का मौत हुआ।